अस्सलाम वालेकुम, हेलो 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 एंड गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, खुश आमदीद एंड वेलकम बैक टू द धांसूदार तरीन शो इन पाकिस्तान, जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस, 6 तारीख है आज दिसंबर की, इज द 6th of December, ट्यूजडे का दिन है, मंगल का दिन है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल वेर एवर यू आर हु एवर यू आर, और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन. एक लैंग्वेज जब इंसान सीखता है, वेदर वो बचपन से सीख रहा हो या बड़े होने के बाद सीख रहा हो, तो कभी कभी रवानी के साथ इंसान बोल लेता है, लेकिन रवानी के साथ बोलने के बावजूद कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि जिनको हम अंग्रेजी में कहते हैं टंग ट्विस्टर्स, यानी जबान उन पर लड़खड़ाती है, और उसकी मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं, या लफ्ज लंबा है, उसमें सिलेबल्स इतने सारे हैं, या उसमें कोई एक ऐसा हर्फ है जो कि काफ़ी मरतबा उसमें आया है, लाइक आर या एस या सी या इस तरह के अल्फाज होते हैं जैसा अंग्रेजी में, तो जबान थोड़ी सी अटकती है. सो आई थॉट दैट वीड हैव अ वेरी लाइट क्वेश्चन दिस मॉर्निंग. सो कोरोबोरेट जो लफ्ज है, कोरोबोरेट, हाँ बोल भी लेती हूँ, लेकिन इट्स वन ऑफ दोज वर्ड्स जो कि मैं जबान मेरी इस पर अटकती है, और फिर जब इसी तरह स्लो मोशन में मुझे बोलना पड़ता है. तो ऐसा कौन सा लफ्ज है जिस पे आपकी जुबान अटकती है? ना मैंने डिफाइन नहीं किया कि अंग्रेजी हो या उर्दू हो, इट कुड बी एनी वर्ड एट ऑल. जस्ट वॉन्ट टू यू नो कीप इट वेरी लाइट दिस मॉर्निंग. सो आस्किंग यू, कौन सा ऐसा लफ्ज है जिस पे आपकी जुबान जो है वो फंस जाती है, फिसल जाती है, लड़खड़ाती है, और आपको भी स्लो मोशन में उसको आराम से बोलना पड़ता है या बोलने में दिक्कत पेश आती है? हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी Mornings with Salmeen ke saath. You can continue tweeting on my Twitter handle. That's with an SULMWN. Sawal post ho chuka hai. Jawabat aana shuru ho gaye hain. Other than that, what's happening around the world on this day in history? Kya hua tha? Tech space mein kya ho raha hai? Pakistan ki development ke lihaz se kya khabrein hain? Sab pe nazar dalenge, lekin iske baad. Filhal ke liye, good morning Pakistan. Koi aisa lafz jis pe aapki zuban ladkhadati hai ya aap atak jate hain, atak jati hain. अंग्रेजी का हो सकता है, उर्दू का हो सकता है, इन दो जुबानों को ही हम मोस्टली कंसिडर इसलिए करेंगे बिकॉज सबसे कॉमनली यही बोली जाती है, लेकिन कोई और जुबान भी हो सकती है. इट कुड बी अनदर लैंग्वेज, लाइक इट कुड बी सराइकी, इट कुड बी पश्तो, इट कुड बी पंजाबी, इट कुड बी पहाड़ी, इट कुड बी एनी लैंग्वेज एट ऑल. लेकिन अगर किसी और जुबान का लफ्ज है तो पहले तो आप उसका मतलब बताइएगा साथ ही. So no restriction on the language, usually English या उर्दू में ही हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, but it could be any language at all. मैं हाजिर ले रही हूँ. सजाद शरीफ, ये लफ्ज क्या है ये? इज दिस, अच्छा आर यू अ डॉक्टर? इज दिस रियली, और आर यू अ साइंटिस्ट? बिकॉज ये जो लफ्ज आपने शेयर किया था, हिलेरियस मैन. तो बोलते बोलते ही इंसान जो है वो खत्म हो. क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग इज कोरोबोरेट एक ऐसा लफ्ज है जो कि मेरी टंग पे आके अटक जाता है, फिसल जाता है, और मुझे फिर स्लो मोशन में इसको बोलना पड़ता है. व्हाट्स अ वर्ड यू ऑफन स्ट्रगल टू प्रोनाउंस? इट कुड बी एनीथिंग. प्लीज ये मत सोचिएगा कि कोई ऐसा लफ्ज है जो कि वैसे तो और लोग तो बोल लेते हैं. और लोग है ना, एवरीबॉडी इज अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर. सो डोंट फील कॉन्शियस इन एनी वे. व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड? आवाज क्यों क्रैक हो गई? व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड? काबिले तजदीद तवानाई मंसूबों से बिजली पैदावार 2634 मेगावाट हो गई. अच्छा, कराची में एक बार फिर गैस का शदीद बहरान, चूल्हे ठंडे हो गए. ये तो मैं 2-3 हफ्ते से सुन रही हूँ कि नवंबर में ही शुरुआत इसकी हो गई थी. सस्ती सफरी सहूलत के नाम से शुरू पीपल्स बस सर्विस महंगी तरीन बन गई. हाँ क्यों, वाई, व्हाट्स हैपनिंग? ट्विटर ने आप, अच्छा इसको छोड़ देते हैं हम. यूट्यूब का फहश मवाद और जुबान समेत कुछ प्रैंक वीडियो की आमदनी बंद करने का ऐलान कर दिया. कुछ प्रैंक या कच प्रैंक, व्हाट आर दे ट्राइंग टू से? चले इसमें भी नजर डालेंगे. फजाई मुसाफिर जल्द एयरप्लेन मोड ऑन किए बगैर मोबाइल फोन इस्तेमाल कर सकेंगे. क्यों भाई, एक तो टाइम होता है सोने के अलावा अगर आप सफर कर रहे होते हैं जिसमें You are not looking at your screen. You are spending time with yourself. Unless international flight ho aur aisi
पर एयरलाइंस हो जिसमें इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, उसमें फिर आप मूवी देख लेते हैं, पॉडकास्ट सुन लेते हैं, गाना सुन लेते हैं या सो लेते हैं, फिर द काइंड ऑफ पर्सन हू कैन स्लीप ऑन अ प्लेन. बट व्हाई वुड यू वांट टू यूज योर फोन व्हाइल यू आर ऑन अ प्लेन? पिक्चर्स लेने के लिए ओके चलें ठीक है, कोई चीज रिकॉर्ड करने के लिए, एज आई सेड गाने अगर आपने डाउनलोड किए हुए सुनने के लिए, या कोई वीडियो डाउनलोड की हुई है, फाइन आई अंडरस्टैंड कि वो भी होता है. बट दिस मीन्स दैट अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने चीजें नहीं डाउनलोड की हुई होती हैं एंड हु आर अवे फ्रॉम देयर स्क्रीन्स, इज दिस गोइंग टू बी अ सहूलत और इज दिस गोइंग टू बी अ ज़हमत? पाकिस्तान से 2023 के आखिर तक पोलियो का खात्मा हो जाएगा, यूनिसेफ का ऐलान. ये मैंने जब कल पढ़ा था, आई वाज लाइक अच्छा ओके लेट्स होप सो, वन शुड ऑलवेज लुक टूवर्ड्स द पॉजिटिव. लेकिन दिस विल ओनली हैपन अगर लोग कोऑपरेट करें. आवाम कोऑपरेट करेगी अपने बच्चों को, 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे और पोलियो की वैक्सीन जब तक वो 5 साल के नहीं हो जाते लगवाती अगर रहेगी, तब ही जाके जो है वो ये हम टारगेट या ये गोल अचीव कर सकते हैं, बीइंग द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहां एक्टिव पोलियो केसेस हैं. 1 साल हमने सिर्फ गुजारा है जब से पोलियो जो है का इंकशाफ हुआ था कि पोलियो मौजूद है, पोलियो के पेशेंट्स है पाकिस्तान में. एक ऐसा साल था जिसमें पेशेंट जीरो हमने नहीं, पेशेंट जीरो नहीं, जीरो पेशेंट्स, पेशेंट जीरो तो डिफरेंट टर्म होता है, जीरो पेशेंट्स जो है वो डिटेक्ट हुए थे. बट यू नो उसके बाद फिर एंड नॉट जस्ट एक, काफी सारे केसेस सामने आए थे. सवाल दोहराए देती हूँ, एक ऐसा लफ्ज जिस पे आपकी जुबान अटकती है, मैंने मिसाल अपनी दी कोरोबोरेट की. कोरोबोरेट इट्स अ वेरी इजी वर्ड बट मैं उसको आई गेस कॉन्शियस हो जाती हूँ, शायद इसलिए अटक जाती हूँ बिकॉज एक आध दफा शायद नहीं उतना सही तरीके से प्रोनाउंस किया. सो लॉट्स ऑफ जवाब हैव कम इन ऑलरेडी, आई लाइक अ लॉट मोर जवाब टू कम इन. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. और क्या हो रहा है जी टेक्स्ट स्पेस में, मैं खोल रही थी ऑन दिस डे इन हिस्ट्री. अच्छा वेयर अप फॉर कमर्शियल ब्रेक, तो इस तरह करते हैं इसको पहले निपटा देते हैं एंड देन वी विल बी बैक आफ्टर दिस. स्टे ट्यून्ड. व्हाट अ सॉन्ग एंड व्हाट मेमोरीज. अच्छा वन लर्न्स न्यू थिंग्स एवरी डे. रेटिफाई का जो लव्स है, आई थॉट कि जनरली भी अग्रीमेंट के बारे में यानी अग्री करते हैं किसी बात को तो उस तरह इस्तेमाल हो सकता है और शायद हम उसको जक्सपोज कर सकें बिकॉज द लैंग्वेज हैज चेंज अ लॉट. जुबान जो है वो कोई भी जुबान हो वो चेंज हो चुकी है काफी हद तक. एक तो कॉन्सेप्ट होता है ना गलत उलाम के, गलत लोग बोल रहे होते हैं तो उसको सही माना मानने लगते हैं बिकॉज ज्यादा लोग उसको बोलने लगते हैं उस तरह. लेकिन एक चीज होती है कि द लैंग्वेज इटसेल्फ इवॉल्व्स. सो आप अगर जो बहुत जानी मानी डिक्शनरीज हैं लाइक द ऑक्सफर्ड डिक्शनरी और द मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी और ब्रिटानिका एटसेट्रा, ऐसी किताबों में अब आप देखेंगे कि मतलब ऐसी कंपाइलेशन में आप देखेंगे कि ओवर द पैसेज ऑफ टाइम अल्फाज का जो शॉर्ट फॉर्म है उसको स्लैंग नहीं कंसिडर किया जाता, उसको लव्स कंसिडर किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल ऑफ्ट जो लव्स है वो ऑफन के लिए इस्तेमाल करना इज लाइक जस्ट लाइक यूजिंग ऑफन, नॉट एज अ शॉर्ट फॉर्म बट इट्स कंसिडर्ड द सेम थिंग. जैसे आजकल जेन ज़ी जो है वो इस्तेमाल करती है बहुत सारी शॉर्ट कोड लैंग्वेज ना, लाइक NGL, WTH, इस तरह के लव्स. नॉट NGL इज नॉट गोना लाई, WTH इज व्हाट द दोज़ख. इट जस्ट केम आउट माय माउथ. एनीहाउ तो रेटिफाई का लव्स जो है वो इन इट्स ओरिजिनलिटी कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट की जब आप बात करते हैं, खासतौर पर जब किसी ममालिक के दरमियान या इदारों के दरमियान भी हो सकता है, बट ओरिजिनली दैट वाज द कॉन्सेप्ट. एंड व्हाई डिड आई कम अक्रॉस दिस वर्ड कॉन्ट्रैक्ट टुडे, आई वाज रीडिंग थ्रू व्हाट हैपेंड ऑन दिस डे इन हिस्ट्री. ऑन दिस डे इन हिस्ट्री आज तारीख है 6 दिसंबर और 6 दिसंबर के हवाले से अगर बात की जाए काफी सारी चीजें हुई जिसमें से ज्यादातर अनप्लेजेंट थी अनफॉर्चुनेटली, बट वन और टू प्लेजेंट थिंग्स ऑल्सो. 2006 में मरीख पे जो मार्स ग्लोबल सर्वेयर था उसकी जो फाइंडिंग्स थी उसके मुताबिक ये फाइंडिंग मिली कि पानी जो है वो मौजूद है, प्रेजेंस ऑफ वाटर जो है मौजूद है ऑन मार्स विच इज मरीख. 1992 में अनफॉर्चुनेटली वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑफ द बाबरी मस्जिद बीइंग डिस्ट्रॉयड हैपेंड ऑन दिस डे इन हिस्ट्री 6 दिसंबर के हवाले से अगर बात की जाए तो. उसके अलावा फिनलैंड ने अपने आप को डिक्लेयर किया था इंडिपेंडेंट ऑफ रशिया इन 1917. देन
एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था 1907 में, एक एक्सप्लोजन हुआ था कोल माइन में इन वेस्ट वर्जीनिया एंड इट किल्ड मोर देन 350 पीपल, और उसमें ज्यादातर जवान लड़के थे. कोल माइंस और माइनिंग का जो कॉन्सेप्ट है इट्स स्टिल वेरी इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के ज्यादातर ममालिक में सेफ्टी प्रिकॉशंस और सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो उस तरह के इन प्लेस हैं ही नहीं. माइनिंग इज वेरी डेंजरस, उसमें आपको बहुत एक्सटेंसिवली इकदाम लेने पड़ते हैं ताकि जान को खतरा ना पहुंचे, बिकॉज यू आर बिलो द अर्थ लिटरली. एंड वेदर इन टर्म्स ऑफ लाइट, वेदर इन टर्म्स ऑफ के द अनएक्सपेक्टेड कि किसी भी चीज से आप लड़ सकते हैं, वेदर ऑक्सीजन ब्रीदिंग इतनी लिमिटेड होती है. और कोल माइन वर्कर्स की हिस्ट्री अगर आप देख लें टू डेट, इवन इन अ प्लेस लाइक पाकिस्तान, इट्स नॉट लाइक कोल माइन निकालते जो वो है, जो चीज एक्सट्रैक्ट करते हैं, इट्स इक्विवेलेंट टू वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस थिंग्स इन द वर्ल्ड, वेदर कोल माइनिंग हो या माइनिंग किसी भी किस्म की हो. लेकिन उनकी लाइव्स, दे आर जस्ट लाइक their lives are probably harder than दिहाड़ीदार लोग, जिनको कम अज कम सुबह से शाम अगर यू नो सीमेंट मिक्सिंग या ईंटे बनाने में एक सर्टन दिहाड़ी उनको मिल जाएगी. कोल माइन वर्कर्स की लाइव्स आर वेरी वेरी टफ, एंड मे बी विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल किसी और दिन, इसके बारे में तफसीली तौर पर बात करेंगे. और क्या हुआ जी, जॉर्जिया बिकेम द 27th US state to ratify the 13th amendment which abolished slavery. यहां से ratify का लफ्ज जो है वो निकला था, एंड आई वॉन्टेड टू मेक श्योर वट डज इट मीन. आई वॉज लाइक अच्छा रेटिफाई का लफ्ज यहाँ इस्तेमाल हो रहा है तो वट डज इट मीन. सो इट मीन्स गोइंग इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट. सो अबॉलिश्ड स्लेवरी, स्लेवरी इज गुलामी, एंड गुलामी का कॉन्सेप्ट 1865 से पहले पहले इट वॉज कंसिडर्ड ओके, इट वॉज कंसिडर्ड लीगल इन वट वी नो नाउ एज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको हम अमरीका बोलते हैं. तो स्टेट बाई स्टेट रूल्स और पॉलिसीज जो हैं वो डिफरेंट अभी तक ऐसा है कि वेदर इट्स इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस, वेदर इट्स इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट, वेदर इट्स इन टर्म्स ऑफ मेडिकल, स्टेट टू स्टेट वेरी करती हैं पॉलिसीज अमेरिका में. इट्स वन ऑफ दोज कंट्रीज वेयर अक्रॉस द बोर्ड कम ही ऐसी चीजें हैं जो अक्रॉस द बोर्ड आप कहें 50 के 50 स्टेट्स में ये चीज जो है वो लीगल कंसिडर्ड की जाती है, ये चीज इलीगल. मैरुआना कुछ स्टेट्स में लीगल कंसिडर किया जाता है. उसी तरह डिफरेंट जेंडर्स, इंटर जेंडर मैरिजेस एंड सेम जेंडर मैरिजेस कुछ स्टेट्स में इलीगल कंसिडर किया जाता है, कुछ में लीगल कंसिडर किया जाता है. सो इट्स वेरी डिफरेंट. सो स्टेट टू स्टेट आहिस्ता आहिस्ता करके स्लेवरी का खात्मा, उसको अबॉलिश करने का जो कॉन्सेप्ट है वो 1865 में जॉर्जिया ने भी एक्सेप्ट किया था. और क्या हुआ था इसके अलावा, अगर कुछ हुआ था तो उस पर नजर, हाँ पर्ल हार्बर का अटैक हुआ था ऑन दिस डे इन 1941. जापानीज बॉम्बर्स लॉन्च्ड अ सरप्राइज एरियल अटैक ऑन द यूएस नेवल बेस एट पर्ल हार्बर. इफ यू डोंट नो अबाउट पर्ल हार्बर, देयर इज अ मूवी ऑन इट आल्सो, देयर इज डॉक्यूमेंट्रीज ऑन इट आल्सो, यू शुड डेफिनेटली रीड अबाउट इट. वी आर फॉर अनदर कमर्शियल ब्रेक, वापस आते हैं इसके बाद, स्टे ट्यून्ड. ओके, आई एम गोना ट्राई एंड प्रोनाउंस दिस. अच्छा, इट्स सो फनी. सज्जाद शरीफ कहते हैं एक लफ्ज इज एडहियर, एंड आई अंडरस्टैंड कि एडहियर प्रोनाउंस करने में इसलिए शायद दिक्कत पेश आती होगी, बिकॉज द डी एंड द एच आर टुगेदर, एंड कम ऐसे अल्फाज है जिसमें डी और एच जो है वो इकट्ठे होता है. हियर एंड एड, एड हियर के बजाय एड हियर, एड हियर ढ करके बोलना होता है ना, जैसे डाल और दो चश्मी है, समझिए गए इकट्ठे बोल रहे. दूसरा आपने जो लिखा है, आई एम गोना ट्राई एंड प्रोनाउंस इट, इट इज, आई नो द फर्स्ट पार्ट बिकॉज नमूनिया से सीखा है ये पार्ट. सो इट्स न्यूमल ट्रामाइक्रोस्कोपिक सिलिकुवोकल कनोकोनियोसिस. हाउ क्लोज हो जाए ये जरूर बताइएगा यार, इसमें तो मुंह ही रह गया बिल्कुल, बोलते हो खोल बंद करते करते. अच्छा, इसका मीनिंग लंग डिजीज कॉज बाई द इनहेलेशन ऑफ सिलिका और क्वार्ट्ज डस्ट. थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस नॉलेज, में इजाफा हुआ. लॉट्स ऑफ पीपल आई थिंक मोस्ट पीपल वुड नॉट नो व्हाट दिस इज, बट मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये क्यों आपको बोलना पड़ता है. इज दिस योर पेशा, इज दिस योर लाइन ऑफ वर्क, दिस इज नॉट अ कॉमन वर्ड. आई डिडंट राइट कि कॉमन वर्ड सिर्फ होना चाहिए, ये सवाल नहीं था. ले कोई भी अंग्रेजी का लफ्ज हो सकता था, बट आई स्टिल वॉन्ट टू नो. जस्ट लाइक आई गेस इट्स अ मैटर ऑफ सिखाया भी किस तरह जाए और कॉन्टेक्स्ट क्या होना. जस्ट लाइक सुपर कैलीफ्रेजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशस इज अ वर्ड दैट
अगर आपने मैरी पॉपिंस देखी है और आप यू नो आपकी एसोसिएशन है, चाइल्डहुड मेमोरीज हैं, तो दिस विल देन बिकम वेरी इजी फॉर यू टू से सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोसिस. लेकिन जब छोटे होते थे उतना आसान नहीं लगता था, बट मूवी जो के पसंद थी और वो कैरेक्टर पसंद था, एसोसिएशन थी, तो थोड़ी सी आसानी हो जाती थी. दिस इज जस्ट हिलेरियस. मुझे पढ़ पढ़ के इतनी हंसी आ रही थी. आई वाज लाइक, ये लव्स इजाद किसने किया, बनाया किसने है. अ लंग डिजीज कॉज, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, उस तरह नहीं हंस रही, बट लंग डिजीज कॉज बाय द इनहेलेशन ऑफ सिलिका और क्वार्ट्ज डस्ट. तो दैट इज ऑल्सो डिफरेंट बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन कि स्पेसिफिकली एक टाइप ऑफ चीज को इनहेल करने से जो लंग डिजीज कॉज होती है. But why could they not come up with a simpler word? Musarat Muskan, ek darghwaz sirf ye hai. I understand that you seem to be in a bit of masla masail. Shayad aapne kal bhi tweet kiya tha iske hawale se. Lekin ye, this is not the thread. Jo cheez, jis cheez ke baare mein baat ho rahi hoti, even agar insaan kisi cheez mein madad chahta hai, attention chahta hai, to one should, you know, look at the platform. Aap is cheez ko inbox kijiye ya separately isko tweet kijiye, taaki और लोग भी ना घबराएं, पैनिक भी ना करें और ये मिस आउट भी ना हो जाए अगर जरूरी चीज़ है. और तफसीली तौर पे बता दीजिए क्या मसला है, अगर मैं मदद कर सकी, आपको किसी से कनेक्ट कर सकी. तो इस तरह तो समझ नहीं आ रहा है ना जो आप लिख रही हैं. और बेशक रोमन में लिख दीजिएगा, इंग्लिश में लिख दीजिएगा, जिस तरह भी लिखना चाहें आप, बट थोड़ा सा डिटेल में समवन गाइड मी करके. और ये मसला है, समबडी स्टक इन द बिगेस्ट प्रॉब्लम, दिस इज नॉट द वे. इवन अगर आप बहुत घबरा रही हैं तो घबराएं नहीं, दूसरा इसको इनबॉक्स कर दीजिए, जो बेहतर है. इस ट्वीट को मेरी दरख्वास्त है, डिलीट इसलिए करते हैं बिकॉज वो खाम खाई में, द पर्पस टुडे वाज कीपिंग इट वेरी वेरी लाइट. सो आई अंडरस्टैंड दैट यू आर इन ट्रबल, बट जस्ट दिस इज नॉट द प्लेस फॉर इट. सईद वकार हसनैन अहमद साहब कहते हैं, रिमाइंड्स मी ऑफ अ फनी इंसिडेंट नरेटेड बाय लेजेंडरी न्यूज़कास्टर खालिद हमीद. ओ खालिद हमीद साहब कहते हैं, व्हाइल लाइव ऑन एयर ही हैड टू रीड द वर्ड बयक जुम्बिश कल्ब, कलम, कलम एज इन कलम, राइट, बयक जुम्बिश कलम, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, विच ही रेड एज बैक प्रोजेक्शन फिल्म है. व्हाट बैक प्रोजेक्शन? ओ प्रोजेक्शन कहाँ से आया? फिल्म तो मुझे समझ आती है और प्रोजेक्शन, ओ माय गॉड, सो हिलेरियस. कहते टंग ट्विस्टर फॉर मी इज अ प्रेरोगेटिव. हाँ, prerogative is also quite a tongue twister. Coming up is the top of the hour. 10 बजने वाले हैं, मुलाकात होती है 10 बजे के बाद. वापस आएंगे तो आपके जवाबात, बकिया जवाबात शामिल करेंगे. Keep those answers coming in. I'm asking you today, कोई ऐसा लफ्ज़ जो आपके लिए tongue twister है, मैंने मिसाल भी दी है, ऐसा लफ्ज़ जो आपको फिर स्लो मोशन में बोलना पड़ता है क्योंकि जुबान उस पर लड़खड़ाती है, फंस जाती है उसमें, या तो हरूफ जो है वो दो तीन ऐसे मौजूद है, लंबा बहुत है, सिलेबल्स बहुत ज्यादा, जो भी वजह हो सकती है, अंग्रेजी हो सकता है, उर्दू हो सकता है. डू कीप योर आंसर्स कमिंग इन. हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. वेलकम बैक, दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा एफएम 107.4. लॉट ऑफ डिबेट गोइंग ऑन अजहर अली एंड वेदर ही शुड कंटिन्यू प्लेइंग फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट टीम और नॉट. Well, if his over, I mean, well, if is tarah main keh rahi hu, the stats are there. His overall performance in the past couple of years or so has been, you know, not consistent. But then you tell me whose has. In the past 2-3 years, everybody's lives have changed drastically. Mujhe ye lagta hai. Main shayad zyada hi optimistic hoon ya zyada hi chances dene ki qail hoon. हाँ, किसी की अच्छी परफॉर्मेंस अगर नहीं होती है तो उस इंसान को या समझाने की जरूरत होती है या रीकोच या रीट्रेन करने की जरूरत होती है. आई पर्सनली बिलीव दैट ये जो शॉर्ट लिव्ड लाइफ होती है स्पोर्ट्स मैन और स्पोर्ट्स वुमेन की, दिस इज समथिंग दैट शुड बी लेफ्ट अप टू देम, नॉट अप टू द स्टैंडर्ड्स दैट आर सेट बाय द सोसाइटी. फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट, आई मेंशन्ड दिस बिफोर, मैं उतनी कोई बड़ी फुटबॉल फैन नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत समझती हूँ, थोड़ा बहुत देखती हूँ. I try to keep myself informed. And one person who is in the news big time, two people actually who are in the news big time this time, jo ke generally bhi news mein hote hain when it comes to football, lekin is dafa aur bhi zyada because apparently it might just be their last World Cup, and that is the two great rivals of the football world, and that those are Messi and Ronaldo. So Cristiano Ronaldo is 37 years old. Ek to he doesn't look 37 years old, neither physically nor face wise nor, you know, kya kehte hain, strength wise, he doesn't look it at all. So I don't know, I feel that
पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जो ये मोहम्मद अली आया है बॉलिंग जो कर रहा है हमारे लिए अभी टेस्ट क्रिकेट में, ही इज 30 इयर्स ओल्ड एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन दिस इज हिज टेस्ट डेब्यू, राइट? सो ठीक है, कुछ चीजें चेंज भी हो रही हैं. आई एम जस्ट सेइंग दैट इफ समबडी इज नॉट परफॉर्मिंग, तो ये आप ना कहा करें. आई थिंक, मुझे लगता है लोगों को ये नहीं कहना चाहिए कि उसको रिटायर हो जाना चाहिए क्योंकि उसकी उम्र हो गई है और वो इसलिए परफॉर्म नहीं कर रहा. उम्र की वजह से इंसान परफॉर्म नहीं कर रहा होता है, परफॉर्म या नॉट परफॉर्मिंग. दैट्स वन वेरी स्मॉल एलिमेंट जो कि शायद सही हो अगर और बहुत सारी चीजें यू नो फिट इन करें. फॉर एग्जाम्पल, उसने अपनी फिटनेस का ना ख्याल रखा ओवर द पैसेज ऑफ टाइम, और एक ऐसा टाइम आता है आपकी एज में, आपकी लाइफ में, जिसमें आप फॉर एग्जाम्पल आप फिटनेस का ना ख्याल रखें बिटवीन 18 एंड 20, तो शायद व्हेन यू स्टार्ट यू नो वर्किंग ऑन योर बॉडी अगेन मेंटली या फिजिकली, तो देन यू मे बी एबल टू बिकम इवन फिटर देन बिफोर. बट व्हेन यू क्रॉस अ सर्टेन एज, खासतौर पर इफ यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन और आपको फिटनेस इशूज रहे हो या आपने खेला ही उतना ना हो, तो हाँ, दिस इज वन एलिमेंट, बट इट्स नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द एज इन आइसोलेशन. मुझे ये लगता है कि इट बिकम्स अ लिटिल अनफेयर. एनी हाउ, सो या देर आर अदर पीपल जिनको मौका देना चाहिए और इन्हीं टेस्ट मैचेस में देने की जरूरत थी, उस पर आप डिबेट कर सकते हैं. बट आई जस्ट फील दैट बिकॉज ऑल ऑफ अस हैव टू यू नो गेट टू अ सर्टेन एज एट अ सर्टेन टाइम, थोड़ी सी आई थिंक एम्पथी ज्यादा रखने की जरूरत है, खासतौर पर जब कोई आपको बैन अलावामी सतह पर नुमाइंदगी कर रहा है. तो हम ये तो देख लेते हैं कि बैन अलावामी सतह पर या यू नो ऑन द वर्ल्ड मैप हमारा नाम रोशन हो रहा है या बदनाम हो रहे हैं हम इस शख्स की वजह से, ये तो हम देख लेते हैं. बट हम ये नहीं देखते हैं दैट हाउ मच ऑफ अ प्रेशर दैट इज, और एज इज द लास्ट थिंग दैट वन शुड ब्रिंग इन. यू शुड ब्रिंग इन टेक्निक एंड स्किल व्हिच इज नॉट एज डिपेंडेंट, इट इज पर्सन डिपेंडेंट. यू नो देयर वाज अ टाइम जब हम मिसबा और यूनुस खान को भी यही कहते थे, और अब रिसेंटली इन द पास्ट 2-3 मंथ्स ऑल ऑफ अ सडन द मोहब्बत आई हैव सीन हैज कम अप अगेन फॉर मिसबा ऑफ यू नो व्हाट आई मीन हाउ फैंटास्टिक ही वाज इन टेस्ट क्रिकेट एंड मोर सो इन हिज लास्ट कपल ऑफ इयर्स. सो एनीहाउ, और क्या हो रहा है जी दुनिया में? वाइस अहमद शहजाद ट्रेंडिंग, ही वांट्स टू कम बैक ऑल्सो. हसीन इज ट्रेंडिंग, हु इज हसीन? इकरार इज ट्रेंडिंग, मीर हमजा इज ट्रेंडिंग, नसीम शाह तो ट्रेंड करने की उसकी कोई वजह होने की जरूरत नहीं है. अंग्रेजी में बोले, उर्दू में बोले, पश्तो में बोले, डजंट मैटर द वे ही बोल्स एंड द वे ही इज यू नो होनिंग हिमसेल्फ. कल मैं अबू से बैठ के बात कर रही थी दैट आई फील दैट इतनी यंग एज पे वेरिएशन सीख लेना एज अ फास्ट बोलर सो क्विकली और इतना ओवर एग्जॉस्ट होके इस साल में इतना खिलाया है यू नो लड़कों को, फिर भी बींग एबल टू अंडरस्टैंड वेरिएशन इन अ गेम इज maybe even more so than Shaheen in some ways. Mujhe lagta he's picking up, but I'm not a cricket expert, just a big cricket lover. And Nazim Shah is very adoptable. Mujhe usko dekh ke bahut sare log I saw Twitter pe aise baat kar rahe the ki us usko dekh ke baby kehne ka dil chahta hai, but mujhe to wo adoptable lagta hai. Adoptable as in you know like adoptable. Anyhow, aaj ke sawal ke hawale se aur bhi jawabat hain. Coffee mornings with Salmeen Janzeb kehte hain, M Janzeb shayad kehte hain, characteristics, haan, that is also quite a tongue twister, us pe zuban atak jati hai is loves pe. Salim Abbasi sahab kehte hain, koi specific loves nahi hai, lekin interruptions mujhe kisi conversation mein, kisi guftugu ke darmiyan, jab baar baar koi beech mein baat karta hai, baat kaatta hai, to mere ideas jo hain conversation mein kho jate hain aur mujhe wapis apni pace lane mein time lagta hai. इस पे बड़ी डिबेट हो सकती है सलीम साहब. एक तो सवाल वाज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू अ वर्ड, अगर होता तो जस्ट टू कीप इट वेरी वेरी लाइट तो अच्छा होता अगर आप उस हवाले से अगर जवाब देते. आप कह रहे हैं आई लाइक टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. आजकल के दौर में दैट्स नॉट रियली पॉसिबल, नॉट रियली पॉसिबल. इसलिए कह रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग इट्स इम्पॉसिबल, इट्स बिकॉज एवरीबडी इज इन अ हरी, इन अ लिमिट. यू नो द आदाब ऑफ कॉन्वर्सेशन हैव चेंज्ड ओवर द पैसेज ऑफ टाइम. बदतमीजी के सेंस में इंटरप्शन मुझे भी बहुत बुरी लगती है, लेकिन आपका जो चेन ऑफ थॉट है उस पर फोकस बरकरार रखने का मतलब है कि यू वॉन्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू टू गेट अक्रॉस टू द अदर पर्सन एज अ प्रायोरिटी. एंड बिकॉज दैट अदर पर्सन इज नॉट डूइंग दैट, यू आर गेटिंग, यू गेट बॉदर्ड बाय इट. तो दैट मीन्स कि द अदर पर्सन्स कॉन्वर्सेशन एंड व्हाट दैट अदर पर्सन हैज टू से, दूसरे शख्स को जो वो कहना चाह रहा है वो आपको काबिल कबूल नहीं है कि उसका एकदम से पॉइंट ऑफ व्यू. उसको भी तो ऐसा फील हो सकता है ना कि मैं ना भूल जाऊं कहीं.
सो आई एम नॉट सेइंग इट्स राइट, बट इसके बारे में ऐसा किसी और दिन तफसीली तौर पे बात करेंगे. ऑलराइट देन, कमिंग बैक टू व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, ऑल्सो यूएस अनवेल्स हाईटेक B-21 या B-21 स्टेल्थ बॉम्बर. नाउ माय क्वेश्चन इज, देयर इज नॉट अ रिसेशन बट या रिसेशनरी फेज जो है वो चल रहा है, जिसमें कोइंसिडेंशियली अमेरिकन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस और फर्म्स जो कि दुनिया में जानी मानी जाती हैं, इंक्लूडिंग अ वेरी फेमस न्यूज चैनल व्हिच हैज बीन अराउंड फॉर एवर, कॉन्ट्रोवर्शियल ठीक है बट इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज नेटवर्क्स इन अमेरिका, एंड CNN आई बिलीव, कल मैंने ये उसकी भी यही खबर देखी थी, दैट दे आर going to be laying off thousands of people. Meta ne bhi announce kiya tha, Amazon ne bhi announce kiya tha, and then Twitter ne to kar hi diya tha. Theek hai? Now it could be for different reasons. Theek hai, main is tarah ke phool gayi thi beech mein, kya kar rahi. मुख्तलिफ वजूहात की वजह से कभी कभी वो ये बात कि आप पिवट करते हैं और कोई ऐसा एक क्या कहते हैं बिजनेस ब्रांच या पैरेलल में कोई चीज़ एक्सपैंड करते हैं, जिसको चूंकि आपको ज़्यादा उसमें लगता है कि एनर्जी रिसोर्सेज वसाइल डिफरेंट चीज एंड इन्वेस्टमेंट सर्व करने की ज़रूरत है, तो उस वजह से आप पैसे निकाल के वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं. सो जो आपका चलता फिरता सिस्टम है उसमें आप लोगों को रिड्यूस कर देते हैं. दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लेइंग पीपल ऑफ. इट्स नॉट एज सिंपल एज ब्लैक एंड वाइट, इट्स नॉट एज सिंपल एज कि जी प्रॉफिट नहीं हो रहा है या नुकसान हो रहा है. कभी कभी आपको ओवर द पैसेज ऑफ टाइम समझ आती है कि जो डिफरेंट किस्म की वेरिएशंस या ऐप डाइवर्सिफिकेशंस के लिए आपको लगता था कि डिफरेंट उसके लिए ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत है, वो कोई या तो कोई अगर कोई मर्जर होता है या जैसे अक्वायर किया था इलॉन मस्क ने. मेरी सांस पता नहीं क्यों फूल रही है, आई वाजंट डांसिंग राइट नाउ, और ना कभी कभी होता ना बैठे बैठे आप यूं करने लगे तो सांस फूल जाती है. एनीहाउ, तो उसमें भी उनको लगा कि प्रॉफिटेबल नहीं है, इतने ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं, और उसके और भी खैर बहुत सारी वजूहत है. एनीहाउ, लिंक मैं क्या बना रही हूँ कि इफ अमेरिका इज गोइंग थ्रू सो मच एंड अ कंट्री इज अनफॉर्चुनेटली इस दौर में, ये कहा जाता है कि कंट्री इज एज गुड एज इज डिफेंस सिस्टम, बिकॉज इफ योर इकोनॉमी इज क्रैशिंग एंड बिकॉज योर डिफेंस सिस्टम इज एज इज वल्नरेबल, तो फिर आपके जो एलाइज नहीं होते हैं उनके लिए मौका बन जाता है, गॉड फॉरबिड, टू अटैक यू इन अ डिफरेंट वे, नॉट नेसेसरली अटैक अटैक, बट आप वल्नरेबल हो जाते हैं. इस वजह से इन्होंने किया, आई डोंट नो, मतलब और 10,000 चीजें हैं जो कि कोविड के बाद रिकवर नहीं कर पाया अमेरिका, लेकिन उन्होंने अनवेल कर दिया है हाईटेक B-21 स्टेल्थ बॉम्बर. क्यों भाई बाइडेन साहब, कुछ समझ नहीं आई इसकी. सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑन फ्राइडे अनवेल्ड द B-21 रेडार, अ हाईटेक स्टेल्थ बॉम्बर दैट कैन कैरी न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल वेपन्स एंड इज डिजाइन टू बी एबल टू फ्लाई विदाउट अ क्रू ऑन बोर्ड. इसकी खासियत यह है इसमें लोग नहीं मौजूद होते हैं, ये टेक्नोलॉजी के जरिए ऑपरेट होता है. वेरी इंटरेस्टिंग, देखने में है बड़ा सोना, लेकिन इसका पर्पस इज एब्सोल्यूट स्टुपिडिटी, बिकॉज एनीथिंग दैट किल्स पीपल एंड इज देयर एंड सो मच इन्वेस्टमेंट इज डन, व्हेन द वर्ल्ड इज लुकिंग एट मिलियंस ऑफ पीपल डाइंग हंग्री और स्लीपिंग हंग्री एवरी डे, तो आई डू नॉट, मैं पर्सनली इन चीज़ों पे नहीं इत्तफाक करती हूँ. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके जो फोर्सेज होते हैं या आपका जो डिफेंस सिस्टम होता है उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, बिकॉज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ आपको यू हैव टू यू नो वॉच आउट फॉर योर ओन होमलैंड एंड योर ओन कंट्री. लेकिन बस खैर, चले इसको छोड़ देते हैं किसी और दिन, बट आई थॉट आई जस्ट मेंशन द हेडलाइन टू यू. और क्या हो रहा है जी दुनिया में, आपके जवाब भी हैं काफी सारे. पाकिस्तान से 2023 तक के आखिर तक पोलियो का खात्मा हो जाएगा, ये यूनिसेफ का इसलिए कहना है बिकॉज यूनिसेफ जो है बहुत क्लोजली इस चीज को मॉनिटर करती है. इस एक ऐसी बीमारी जो कि बहुत क्या कहते हैं एहतियात करने से यू नो कम्प्लीटली इराडिकेट हो सकती है. बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो इतनी मौलिक होती हैं जो कि आप प्रिवेंट करने के बावजूद प्रिवेंशन के बावजूद आप उसको कम्प्लीटली इराडिकेट यानी कम्प्लीटली उसका खात्मा नहीं कर सकते. पोलियो एक ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को होने से कम्प्लीटली बचा सकते हैं सिर्फ कंसिस्टेंटली 5 साल की उम्र तक कतरे दे के और वैक्सीन लगवा के, जिसकी एक्सप्लेनेशन कुछ अर्से पहले एड कैंपेन्स के जरिए समझाई गई थी कि बार बार क्यों करवाने की जरूरत होती है. तो उसकी मिसाल यही दी गई थी बिल्कुल जिस तरह दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फ्लू शॉट जो है आपको दिया जाता है या कोविड का हर 6 महीने पे, तो एक रिफ्रेश हो जाता है आपकी बॉडी और आपकी रेजिस्टेंस जो है वो बेहतर हो जाती है, आपका इम्यूनिटी लेवल एक बहाल हो जाता है उस तरह, इसलिए बार बार देने से. और एक चीज जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई खतरात नहीं है उसको देने से, आपको कोई और बीमारी नहीं होती है, इसलिए और भी ज्यादा जरूरी है. सो देयर होपफुल, अच्छी बात है अगर हो जाए पाकिस्तान
has already been on the list of worst in a lot of ways. Whether आपका passport है, whether आपका air quality index है जिसमें लाहौर और कराची फिर इस साल जो है शुमार हुए हैं, whether generally not just air pollution but pollution के हवाले से बात की जाए, बहुत सारी बेहतरीन चीज भी हमारे मुल्क के हवाले से अगर बात की जाए, but these are some of the things जिसमें पिछले एक साल में पाकिस्तान दोबारा हाईलाइट हुआ और ये किसका कुछ किया नहीं जा रहा. तो जिस चीज को हर साल ही हम बदतरीन कैटेगरी में हम उसमें सरे फहरिस्त होते हैं, इसमें नहीं होना चाहिए. वी कैन नॉट पॉसिबली फॉर द आई थिंक 10th ईयर गोइंग बी द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसमें पोलियो रह गया है. व्हाट इज लाहौर द पावा? पावा, इज दैट हाउ यू प्रोनाउंस? व्हाई इज इट ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर? लाहौर द पावा. What does that mean? Why is it trending? Who said this? And is it a bad word? Is it, मैंने तो कह दिया on Arab, but I don't know what it means. किस sense? और ये क्यों इतना ज़्यादा trend कर रहा है Twitter पे? 2700 tweets इस पे भाई, 2700 tweets पे. अच्छा, खैर, जाने देते हैं. Continuing to have a look at what's happening around the world. TechSpace के वाले से मैंने आपको US ने जो unveil किया है अपना B-21 stealth bomber, उसके वाले से तो बता दिया था. Other than that, the rest of the news is इतनी कोई significant new news नहीं है. Advertisers के हाँ, मतलब Twitter के हवाले से चूंकि consistently almost रोज ही कोई ना कोई खबर होती है, तो big advertisers return to Twitter post Musk's takeover. ये एक अच्छी positive चीज, जो पहली दफा जो जिसको कहा जा रहा है positive चीज, क्योंकि बाकी सारी चीजें बहुत तनकीद का निशाना बनी हैं. Rightly wrongly हम इस पे, it's too early to comment on that कि सही तनकीद है या गलत है. तनकीद तो खैर तनकीद होती है, बट सही साबित हुई जो तनकीद के जरिए जो बातें सामने आई हैं, या गलत, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि इलॉन मस्क का टेक ओवर जो है हाउ इफेक्टिव इट वॉज. सो बिग एडवर्टाइजर्स हैव कम बैक टू ट्विटर एंड आर विलिंग टू एडवर्टाइज ऑल्सो. इफ यू नोटिस, ठीक है, प्री इलॉन मस्क टेक ओवर भी हो रहा था. आपको वेदर कोई किसी का अपना प्रोफेशनल प्रोफाइल्स ही होते हैं, लेकिन नॉट इदारे, इंडिविजुअल्स के पेड एड्स काफी सारे दिखने लगे हैं ट्विटर पर. आई डोंट नो इफ यू सी दैट ऑन योर टाइमलाइन और नॉट, इफ यू नोटिस दैट ऑन योर टाइमलाइन, रैंडम चीजें फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उसमें दूसरे लैंग्वेजेस में भी होंगे, चीनी जापानी भी हैं, एंड चीनी जापानी एज इनके ईस्ट एशियन भी हैं, क्या कहते हैं, साउथ एशियन भी हैं, अमेरिकन भी हैं. सो इंडिविजुअल्स प्रमोटिंग देमसेल्व्स, और जो वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ऐप बेस्ड या कंपनी बेस्ड या कोई सर्विस बेस्ड, एज इन कोई इदारा जो है, इदारों के मैं कम देख रही हूँ, इंडिविजुअल्स के मैं ज्यादा देख रही हूँ. एनी हाउ, सो दिस इज वन थिंग दैट फेवरेबल लग रहा है बड़ी बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनीज को, कि वो एडवर्टाइज अपने डिफरेंट क्लाइंट्स को जो है उनकी एड्स लेके आए और ट्विटर पे लेके आए. मुझे इसमें यही समझ आया. सो ट्विटर हैज बीन स्ट्रगलिंग टू मेंटेन इट्स प्रॉफिट्स एज इट्स एड रेवेन्यू ड्रॉप्ड मैसिवली पोस्ट मस्क टेक ओवर, रिजल्टिंग इन द कंपनी ऑप्टिंग फॉर मास लेऑफ्स. ये पहले हुआ था, लेकिन अब जो है वो शायद हालात बेहतर होने लगे हैं. बिग एडवर्टाइजर्स रिटर्न टू ट्विटर पोस्ट मस्क टेक ओवर, दैट वाज द हेडलाइन. आपके जवाब की तरफ जाते हैं आज के बहुत ही हल्के फुल्के सवाल के हवाले से. उस्मान अहमद कहते हैं गुड मॉर्निंग डियर. डियर नहीं बोलते हैं किसी को भी जो कि आपका जिगरी दोस्त ना हो. इट इज कंसिडर्ड इन अप्रोप्रिएट, गैर मुनासिब, ना मुनासिब. मैं आपको तनकीद का निशाना नहीं बना रही, करेक्शन कर रही हूं आपकी. यू डू नॉट कॉल अ मेल और अ फीमेल को तो बिल्कुल ही नहीं डियर नहीं बोलते हैं. मिसाल के तौर पे जो मतलब चंद ही हमारी ज्यादा हमारे मेल फैंस हैं, कम हमारी फीमेल फैंस हैं, और भी कम फीमेल फैंस हैं जो कि फॉलो करते हैं ट्विटर पे, सुनती बहुत सारी हैं. सो अगर फॉर एग्जाम्पल मुसारत मुस्कान लिखें या आप लिखें, इट्स द सेम थिंग. आप डियर लिखें मुझे, दैट्स नॉट appropriate, that's not munasib. Good morning Salmeen is good enough. Aage aap keh rahe hain, I was mostly stuck at the words like singular, plural. Haan, bachpan mein to bahut atakte the hum. Singular, plural. Because of the, I think the U after the G. U ki pronunciation, I think, shayad isliye dikkat pesh aati hai. Aur dusra keh rahe hain schedule. Ab schedule aur schedule dono durust hain, by the way. Aapne usko jo breakdown kiya na, ek to aapne schedule likha hai, dusra aapne kaha schedule. Ye dono durust hain. Dono are correct, it's not incorrect. आप अगर अमेरिकन इंग्लिश में बोलें तो एक डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है, आप पाकिस्तानी इंग्लिश में बोलें तो डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है, और आप क्वींस इंग्लिश या ब्रिटिश इंग्लिश में बोलें तो डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है. इसमें गलत नहीं है, बट या इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट. AB42 कहते हैं गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग कहते हैं टू वर्ड्स, रूरल एंड रूलर. टंग ट्विस्टर कहते हैं दिस रियली मेल्ट एंड सावर माई माउथ. रूरल तो वाकई में
जो है वो डिफिकल्ट है. रूलर, रूरल, रूलर, रूलर मुझे पर्सनली ठीक लगता है, रूरल इज अ लिटिल हार्डर. हाफिज मौलाना डॉक्टर जेडी क्यों कहते हैं, फॉर मी इट्स स्टैटिस्टिक्स. हाँ, बिकॉज एक ही जैसा लगता है ना, एंड इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट. इजाजुल हसन कहते हैं इंस्टेंटेनियसली लव्स जो है, अब देखें मैं भी इसको तोड़ तोड़ के बोल रही हूँ, सो दीज आर वर्ड्स दैट अदर पीपल आल्सो गेट स्टक एट. एंड दूसरा पीडियाट्रिशियन, हाँ, इट डजंट कम इतनी जवानी से. जानजेब ने तो कैरेक्टरिस्टिक्स कहा था. अनवर अली कहते हैं जस्ट वांट टू विश माय वाइफ अ वेरी हैप्पी बर्थडे, देयर इज नथिंग आई वांट मोर फॉर यू ऑन योर बर्थडे देन टू गेट बेटर विद फुल ऑफ हेल्थ. द वर्ल्ड जस्ट इज इन द सेम विदाउट यू माय डियर वाइफ, हैप्पी बर्थडे राबिया जरीन, इट इज एंडलेस एंड जस्ट गेट वेल सून. अनवर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, यू आर यू द सेम पर्सन? यस, यू आर द सेम पर्सन जिसने कुछ माह पहले बताया था हमें कि आपकी वाइफ जो है वो कोमा में है. या दिस इज व्हाट आई रिमेंबर, आई थॉट दैट यू वर द सेम पर्सन. तो आज आपकी बेगम जो कि जिंदा है लेकिन शी इज फाइटिंग फॉर हर लाइफ, फॉर हर हेल्थ, बिकॉज शी इज बीन इन कोमा फॉर क्वाइट अ फ्यू मंथ्स नाउ, उनकी सालगिरह है. कैन आई रिक्वेस्ट ऑल माई लिसनर्स, जिस जिसके कान में ये मैसेज जा रहा है, मेरी आवाज़ जा रही है, या जो बाद में YouTube चैनल पे देखेंगे, कि ज़रा सी भी गुंजाइश अगर है निकाल लीजिएगा और दिल से दुआ कीजिएगा कि अगर इसमें बेहतरी है तो अल्लाह ताला राबिया ज़रीन को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, वो कोमा से निकल आए. शी इज़ बीन इन कोमा फॉर मेनी मंथ्स नाउ. सितंबर में इन्होंने बताया था कि 3 माह हो गए मेरे ख्याल में, और अब दिसंबर हो गया है. तो मुआवजे करने वाला अल्लाह ताला ही है, अल्लाह ताला की ज़ात ही है. तो थैंक यू फॉर शेयरिंग अनवर, एंड दिल से दुआ दैट मे शी गेट बेटर सून. और भी एक आध जवाब आते शामिल करती हूँ, लेकिन इस कमर्शियल ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड. ऑलराइट देन, ऑलमोस्ट टाइम फॉर मी टू गो. वसी यानी ब्रेनलेस इंजीनियर के नाम से जो जाते हैं ऑन ट्विटर, ही सेज एंटरप्रेन्योरशिप लव्स जो है वो मुश्किल हो जाता है. हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप अक्सर लोग कहते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप को बोलते बोलते बीच में रुक जाते हैं, बिकॉज इट इज आई गेस फेयरली नया लव्स है शायद, इसलिए पीपल स्टार्टेड यूजिंग दिस वर्ड इन पाकिस्तान जस्ट अ कपल ऑफ इयर्स अगो. और इसका कॉन्सेप्ट एंटरप्रेन्योरशिप का जो है वो वर्ल्ड वाइड पिछले कोई 15-20 साल में ही कॉमन होना शुरू हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता करके लोग जाने हैं. सो डोंट फील बैड अबाउट इट. मोहम्मद तारिक कहते हैं सलाम के बाद वेलकम असलाम, कहते हैं कस्तंतीना, कॉन्स्टेंटीन जो लफ्ज है वो आपको मुश्किल लगता है बोलने में, उसके अलावा किसी का लफ्ज तो नहीं रह गया. सो हल्का फुल्का सवाल था इसका, वैसे तो एक है बैकग्राउंड फलसफा इसका, ये कि दैट नेवर हैव एनीबडी फील बैड, मेक यू फील बैड अबाउट एनीथिंग. कभी भी किसी को इजाजत ना दें, कभी भी किसी को इजाजत ना दें कि आपको शर्मिंदा करे. एनीबडी हु इज मेकिंग यू फील बैड अबाउट समथिंग, जो कि आप या आपका तलफ्फुज़ ठीक नहीं है, बैठने का तरीका, आपको नहीं पता कोई फलाना चम्मच जो है किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, बिकॉज फाइन डाइनिंग में जिस तरह मल्टीपल कटलरी के पीसेस मौजूद होते हैं, उसी तरह कोई जुबान अगर ऐसी है जिसका लफ्ज आपको दिक्कत पेश आती है यू नो प्रोनाउंस करने में, या आपको बताया गया था कि इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, आपको पता भी है लेकिन आप बोल नहीं पाते, डोंट एवर लेट एनीबडी मेक यू फील गिल्टी और बैड. एनीबडी हु इज मेकिंग यू फील बैड, कोई भी शख्स जो आपको बुरा फील कराता है आपके तलफ्फुज पे, आपके रहन सहन पे, आपके बैठने के तरीके पे, आपके कुछ करने पे, मीन्स के वो खुद वो शख्स जो है कोई एम्बेडेड नहीं है उसके सिस्टम में उस चीज की जांच. मीनिंग टू से कि जिन लोगों को मालूम होता है कि एक चीज सर्टन तरीके से करनी है और हमेशा से करनी है, वो कभी भी किसी और को बैड नहीं फील कराएंगे. जिसको नया नया खुद पता चला होता है ना, या वो अपने आप को तसलियां देते हैं कि मैं ये जानता हूं तो मैं बेहतर हूं, ऐसे लोग ही आपको रिस्पॉन्ड करेंगे हमेशा बाय क्रिटिसाइजिंग यू, मेकिंग यू फील बैड अबाउट समथिंग दैट यू मे नॉट बी डूइंग इन अ सर्टन वे. You know something, it's still better than not knowing. And even a person who doesn't know, उसको बुरा फील कराने की जरूरत नहीं होती है. Hopefully, आपको का मजाक नहीं उड़ाया गया होगा कभी भी किसी लफ्ज के गलत तलफ्फुज पे. लेकिन अगर if anybody has ever made you feel bad about it, well, it just reflects on the person who made you feel bad. जिस शख्स ने आपको बुरा फील कराया उसकी जात के बारे में ज्यादा पता चलता है. There's nothing wrong with you. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही. तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. आई लव यू ऑल एंड सायोनारा. This is Mira FM 107.4.